तो आपको ये कैसी लग रही है ब्रेड का गुलाब जामुन, आप खुद ही बताएं कमेंट करके। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 4 से 5 ब्रेड लिया है, उसके सारे किनारे को हमने काट करके अलग कर लिया कुछ इस प्रकार से। तो हमने ये 5 ब्रेड के टुकड़े लिए हैं और उसे अब मिक्सी जार में इस प्रकार से तोड़ के डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से उतना बढ़िया से ये एक साइज का इसका जो क्रश होने के बाद जो साइज है वो नहीं हो पाता। ये देखिए कितना बढ़िया ये क्रश हुआ है और एक जैसा इसका ये दाना दाना बिल्कुल बना है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध में हम जो मलाई होता है तो पहले मलाई को डाल के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, उसके बाद हम दूध को डालेंगे। तो दूध हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास लिया है, तो इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे आप जो दूध में होती है। मलाई डालने से इसका फ्लेवर और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए हम इसे इसका डो तैयार कर लेंगे इसे गूँथ के। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से हमने गूँथ लिया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो सके। तो इधर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए फ्रेंड्स हमने 5 ब्रेड के टुकड़े लिए हैं, तो उसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी लिया है और 1.5 कटोरी पानी, और उसे हम हीट करके इसे अच्छे से इसका चाशनी हम तैयार कर लेंगे। चीनी का वेट लगभग 250 ग्राम के आसपास है। तो इसी प्रकार से हम इसे इसकी जो चाशनी होती है हम इसे तैयार कर लेंगे। बस मात्रा ये रखेंगे 1 कटोरी में 1.5 कटोरी पानी। तो ये देखिए, और चाशनी को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है तेज़ फ्लेम पे। तो कुछ इस प्रकार से चिपचिपा हो जाएगा ये चाशनी, हल्का चिपचिपा। तो इसमें हमने 2 से 3 इलायची के टुकड़े को पीस के डाला है। तो ये देखिए चाशनी का थिकनेस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमें रखनी है। तो अब हम ये देखिए हमारा डो अच्छे से ये सेट हो गया है, तब हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। आप जिस प्रकार से शेप में रखें अपने गुलाब जामुन को, लंबे शेप में या फिर गोल शेप में, हमने गोल शेप में यहाँ रखा है। तो इसी प्रकार से एक साइज का हम सारे लोई को तैयार कर लेंगे। और थोड़ी सी हमने किशमिश लिया है, इसके बीच में हम किशमिश डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। तो इस प्रकार से हमने गोल करके इसे उंगलियों के सारे प्रेस करके इसमें हमने एक किशमिश का टुकड़ा डाला है। तो इस प्रकार से हम इसे अच्छे से इसे बंद करके इसमें क्रैक्स ना रहे अच्छे से इसे मिला के हम इसका गोला तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा गोला बन के तैयार हुआ है। ये लगभग बिल्कुल चिकनी गोला तैयार हुआ बन के, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमने सारे गोले को इस प्रकार से किशमिश डाल के इसे बनाएंगे। तो ये देखिए है ना बिल्कुल। तो ये हमारा फाइनली सारे गोले को हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसे तेल को हम ज़्यादा हीट नहीं करेंगे बिल्कुल, तो मीडियम फ्लेम पे तेल को हम हीट करेंगे, मीडियम से थोड़ी सी कम, और इसे धीरे धीरे पकाएंगे। अब ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अच्छे से पकेगा नहीं, तो इसीलिए लो टू मीडियम पे इसे पकाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आ रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल लग रहा है ना गुलाब जामुन जैसा। इसका देखिए कलर और इसमें आएगा, ये देखिए ये अब ये फाइनली हमारा ये इसका कलर तैयार हो गया, ये अच्छे से पक भी गया है। तो अब हम इसे फ्रेंड्स निकाल लेंगे और इसे बीच बीच में आप चलाते रहेंगे ताकि जो अच्छे से इसका चारों तरफ से कलर का जो कोटिंग है वो अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर बना है, आप इसे लगातार चलाते रहेंगे तो चारों तरफ से ये अच्छे से पकेगा। तो ये देखिए कितना सुंदर ये हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार है, और फिर उसे चाशनी में हम डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे प्रोसेस के इसी प्रकार से फॉलो किया है। तो ये पहले बैच में मैंने 5 डाला था और दूसरे बैच में 4 पीस, 9 पीस टोटल हमारे बने थे।
तो ये देखिए इसका भी कलर कितना बढ़िया आ गया है। तो अब हम इसे भी निकाल के डाल देंगे और अब हम चाशनी को थोड़ी सी बॉयल कर लेंगे यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा के। तो ये देखिए हमने बॉयल कर लिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बॉयल भी हो रहा है। बॉयल करने से क्या होगा, ये अंदर तक इसमें चाशनी चली जाएगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बॉयल भी हो गया है। और इसे 4 से 5 घंटों के लिए हम छोड़ देंगे बॉयल करने के बाद। अब चाहे तो फ्रिज में रख के भी इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये बनके तैयार है ब्रेड के गुलाब जामुन। तब हम ये देखिए कितने बढ़िया ये फूल भी गया है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है, आपको देखने से लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा गुलाब जामुन। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाएं फ्रेंड्स। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।